हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा RALLIS। देखिए दोस्तों, जो सबसे लास्ट में है दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये शेयर के बारे में कि इसमें क्या होने वाला है। जो लोग खरीद जिन्हों लोग इसमें एंट्री ले चुके हैं जो लोग, और आगे क्या होगा दोस्तों, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले देखते हैं जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था उसका रिज़ल्ट कैसा आया है आज। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने येस बैंक के बारे में वीडियो अपलोड किया था। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाता हूँ, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, 18 जुलाई को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, जबकि येस बैंक का प्राइस 85 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि येस बैंक का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, आपके लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि जो लोग पहले से निवेश कर चुके हैं उनको होल्ड रखना है, और जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अभी और अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, थोड़ा सा और स्टॉक गिरेगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये प्रूफ है कि हम एक दिन पहले ही आपको बता देते हैं कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। दोस्तों, येस बैंक में अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों, और मैं आपको इसका खुशी का मौका भी बताने वाला हूँ। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज का कंडीशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए येस बैंक का प्राइस। दोस्तों, येस बैंक का प्राइस 85 रुपीज़ है। हालांकि दोस्तों, 85 के पहले जितना भी था दोस्तों, 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पहले दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा गिरता था, और जितना मार्केट गिर रहा था दोस्तों, येस बैंक बहुत ज़्यादा गिर रहा था मार्केट के साथ ही। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में येस बैंक को देखिए 90 को क्रॉस किया है। मैंने क्या बोला था आपको दोस्तों वीडियो में, येस बैंक में तो येस बैंक बहुत ज़्यादा पिटा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पिट गया है ये दोस्तों। अभी एक दो दिन के पहले की बात है, यहाँ पर 100 को भी क्रॉस कर दिया था दोस्तों, 108 रुपीज़ चला गया था। आज के डेट में दोस्तों 85 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। और देखिए दोस्तों, इसने बहुत ज़्यादा लॉस भी दिया। अगर आज के डेट में अगर हम लोग देख लें, इसका हाईएस्ट कितना था तो 90 रुपीज़ था। अगर लोएस्ट देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 79 रुपीज़ था। 79 के बाद दोस्तों इसने थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, लेकिन फाइनली ये लॉस में ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ अच्छे न्यूज़ बता देता हूँ येस बैंक के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग बिलो 100 पे येस बैंक को खरीद के रखे हैं दोस्तों, उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उनको अब होल्ड रखना है, क्योंकि दोस्तों येस बैंक के अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि येस बैंक को अभी होल्ड रखना है, क्योंकि अगर किसी से भी पूछने से दोस्तों, देखिए सबसे पहला बात तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं येस बैंक का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ दोस्तों, ऐसे आप लोग मुझे बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं येस बैंक का दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे येस बैंक से क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों, आप ये बोल सकते हैं कि मैं सच्चाई के साथ दे रहा था। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी नेगेटिव वीडियो बनाए थे येस बैंक के बारे में, मैंने यहाँ पर आपको लिंक भी दे दिया है यहाँ पर। माना कि दोस्तों और बहुत सारे वीडियो है, लेकिन मैंने इतना ही दिया। अगर आपको और ज़्यादा लिंक चाहिए, जिसके लिए मैंने येस बैंक के बारे में नेगेटिव वीडियो बनाया था, जब दोस्तों येस बैंक का प्राइस 230 रुपीज़ चल रहा था, तभी मैंने बता दिया था दोस्तों वीडियो बना के सब लोगों को कि येस बैंक के पीछे मत पड़िए, नहीं तो येस बैंक बहुत नीचे जाएगा और आपको डुबा देगा। यहाँ तक कि दोस्तों, मैंने आपको प्रूफ के लिए देखिए खुद के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अपना वीडियो दे दिया हूँ, यहाँ पर क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट रहेगा वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों जिनको मैंने बताया था, लेकिन जब दोस्तों येस बैंक का प्राइस डिक्रीज होने वाला था, तब मैंने बताया कि येस बैंक का प्राइस डिक्रीज होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब येस बैंक का प्राइस 85 रुपीज़ तक आ गया था और इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला था, तभी मैंने दोस्तों आपको वीडियो बना के बता दिया कि इसका प्राइस जो है अब होल्ड रखिए, जो लोग इसको खरीद चुके हैं उनको होल्ड रखना है, और जो लोग नहीं खरीदे हैं उनको अभी और नीचे थोड़ा जाएगा तब उनको खरीदेगा, तब आपको और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो जो मैंने बोला, येस बैंक के लिए आप मुझे बोल सकते हैं दोस्तों कि मैं येस बैंक का दुश्मन हूँ, या आप ये भी बोल सकते हो कि दोस्तों मैं येस बैंक का सच्चाई के साथ दे रहा था दोस्तों। क्योंकि जब दोस्तों येस बैंक का प्राइस 230 रुपीज़ था, तब से मैं दोस्तों वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ कि येस बैंक से निकल जाइए, येस बैंक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने येस बैंक में अभी निवेश किया है 85 के आसपास, 80-90 के आसपास, दोस्तों उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अब होल्ड रखना है। और देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने येस बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला कि जिनको खरीदना है, जो खरीद चुके हैं उनको होल्ड रखना है।
और जो लोग नहीं खरीदे उनको खरीद लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज देखिए मार्केट पिटा है, निफ्टी पिटा है, फिर भी दोस्तों येस बैंक का प्राइस पॉजिटिव में इंक्रीज हुआ है, नेगेटिव में नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, येस बैंक आज जो हाईएस्ट बनाया है 92 तक बनाया था दोस्तों, इसका लोएस्ट भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 83 तक, जब 85 रुपीज़ था दोस्तों तभी मैंने बोला था थोड़ा लो भी जाएगा, यहाँ तक ये दोस्तों और थोड़ा नीचे और थोड़ा डाउन गया था, 82 या 81 तक गया था, लेकिन दोस्तों मैंने बोला था आपको कि और थोड़ा नीचे जा सकता है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरा। और आज का हाईएस्ट देखिए दोस्तों 92 को भी क्रॉस कर दिया। और हाँ दोस्तों, मैंने वो वीडियो में अपना टारगेट भी बताया था येस बैंक के, क्योंकि दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को टारगेट भी देता हूं, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है दोस्तों, तो आप कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह दोस्तों मैं कभी आपको एमलेस नहीं छोड़ता हूं, हर जगह आपको एम बता दिया करता हूं। यहां पर देखिए येस बैंक का जो प्राइस है बहुत अच्छा भी इंक्रीज हो गया है, देखिए 9 या 10% का एक दिन में रिटर्न मिला है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों का पैसा 100 के आसपास डूबा है, वो निकलने के लिए ट्राई कीजिए, प्लीज़ निकलने के लिए ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपको फिर आगे आगे फंस जाइएगा। तो देखिए ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, ज़्यादा लालच करने से अभी आप सोचेंगे कि नहीं येस बैंक 150-200 ऐसे चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप जितना ग्रीडी बनेंगे उतना आपका पैसा डूबेगा, समझ में आ रहा ना दोस्तों। तो देखिए उसी तरह दोस्तों, मैं डेली वीडियो अपलोड करके मैं बता देता हूं कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला होता है, लेकिन दोस्तों मैं कभी भी ट्रेडर के लिए वीडियो अपलोड नहीं मारता। मैं जब भी वीडियो अपलोड मारता हूं दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए वीडियो अपलोड मारता हूं। मैंने ये भी बताया था, अगर मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बताया कि सपोज़ मान लीजिए कि एलटी का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, मान लीजिए अभी जो 1400 है इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, कल को 1500 होने वाला है फ्यूचर में दोस्तों, जैसे मैंने बोला, लेकिन कल के डेट से क्या हुआ, इसका प्राइस थोड़ा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, 1300-1500 ऐसे कुछ हो गया दोस्तों। तो फिर फाइनली जाके दोस्तों वो 1600-1500 को वो हिट करता है टारगेट, क्योंकि दोस्तों मार्केट में कभी ऐसा होता है, अप डाउन होता है, और मैंने उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो दोस्तों आप कॉल कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए हरदम रेडी हूँ। और चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, RALLIS इसके बारे में देख लेते हैं। जिनके पास भी ये शेयर है दोस्तों, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले ओपन होने दीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा। रेल्स इंडिया लिमिटेड, तो देखिए दोस्तों इसका जो प्राइस है, वन ईयर का ट्रेंड देखिएगा तो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, लेकिन हालांकि दोस्तों वन मंथ में रिटर्न दिया है, 7% का रिटर्न दिया है, इसका डिविडेंड भी दे रहा है दोस्तों। 52 वीक अगर हाई देखेगा तो 214 है, और यहाँ पर देखिए कितना है, 154, मतलब कि बोल सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक जो है जो 50% पीट चुका है। और आज का डेट में, और चलिए दोस्तों जो लोग इस शेयर्स में फंसे हैं, मैं उनको लिए भी सजेशन दूंगा कि यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, आप भी होल्ड कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, इसका प्राइस थोड़ा जो है ऊपर जाएगा। दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, और कहाँ जाएगा उसके बाद है आपको एग्जिट ले लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप थोड़ा फंस सकते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा लॉस हो सकता है, और आप जब फंस जाएगा तो दोस्तों आपका पैसा डूबने का चांस है। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खास तो नहीं है, तो मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ दोस्तों कि इसका कंपनी का दोस्तों अभी 155 चल रहा है। जो लोग आसपास खरीदे हैं वो होल्ड कीजिए, लेकिन हाँ जो लोग फ्रेशर हैं, सोच रहे हैं इसमें एंट्री लेने के लिए, इसमें बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, तो मैं उनको दोस्तों सलाह दूंगा कि नहीं, इसमें आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप फंस सकते हैं प्लीज़। और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि देखिए ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, 60 के आसपास जाएगा, 60 के जैसे ही आसपास जाएगा दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जिट हो जाना है यहाँ से, और एग्जिट हो जाना है दोस्तों, नहीं तो हो सकता है आपको फ्यूचर में और ज़्यादा लॉस हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये कंपनी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अभी इसका प्राइस जो है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों जब भी किसी भी स्टॉक के बारे में मुझे रिसर्च करने के बारे में पता चलता है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे यहाँ से सर्विस दिया जाता है, और आपको बताया जाएगा दोस्तों कि आपको सर्विस दिया जाएगा फुल दोस्तों, कभी भी कोई प्रॉब्लम होने से आप कॉल कर सकते हैं। एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों हमारा सर्विस चार्जेस के बारे में,
दोस्तों सर्विस चार्जेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हरदम रहता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कभी हेल्प चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए या कोई दोस्तों किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना ही है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हिचकिचाइएगा मत दोस्तों। बस आपको इतना ही कष्ट उठाना है कि आपको कभी एक बार कॉल कर देना। तो देखिए दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस दिया जाएगा हमारे यहाँ से और ओनली वन टाइम पेमेंट करना है दोस्तों, 5,000 रुपीज़ आपको ओनली वन टाइम। सपोज़ मान लीजिए कि 5,000 रुपीज़ है तो ओनली वन टाइम देना। अगर आपकी सिक्स लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, अगर आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मिनिमम जो है 10,000 तक लिया जाएगा। मैं सपोज़ दोस्तों एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, सीरियस मत लीजिएगा, मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों इंटू 6 कर देंगे तो आपका दोस्तों 60,000 रुपीज़ आपको वहाँ सर्विस चार्जेस ही देना पड़ेगा। आप सर्विस चार्जेस अगर 60,000 दे देंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह दोस्तों सपोज़ मान लीजिए कि अगर हमारा पेमेंट हमारा जो चार्जेस है दोस्तों 10,000 है तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत कम है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल की तरह एग्जांपल से समझा रहा हूँ। उसी तरह दोस्तों और आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ दोस्तों, अगर हालांकि आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है तो वहाँ से आपको 25% देना है दोस्तों, 25%। क्योंकि दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने के बाद तो आप दे ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, आप बिल्कुल देखिएगा दोस्तों। मैं टाइम पीरियड भी बताता हूँ, हर एक चीज़ अगर आप नोटिस कीजिएगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो डायरेक्ट कॉल कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।